हियर स्टूडेंट सेइंग मी, मैम पढ़ाई तो करनी है पर पढ़ाई हो नहीं पाती है। मैम रोज सोचते हैं कि आज 10 से 12 घंटे पढ़ाई करेंगे, बट जैसे जैसे डे एंड आता है कुछ सब्सटैंशियल होता ही नहीं है। एंड जब अभी एग्जाम्स को एक महीना बचा है, 30-35 डेज बचे हैं, वी कैन नॉट अफोर्ड लूजिंग इवन अ सिंगल मिनट, दिन तो दूर की बात है। स्टॉप अलाउिंग योर डे टू कंट्रोल यू, यू शुड बी इन कंट्रोल ऑफ द रेस्ट 24 आवर्स ऑफ योर डे। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ जहां पे आई एम गोइंग टू गिव यू अ प्रॉपर टाइम टेबल कि आपके दिन भर का शेड्यूल क्या होना चाहिए। ना इस टाइम टेबल का ना बहुत 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 इंपॉर्टेंस है, बिकॉज आई ऑलवेज फर्मली बिलीव इन द फैक्ट कि व्हाट गेट्स शेड्यूल्ड गेट्स मैनेज्ड। सपोज आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन आपने कभी उस पर्टिकुलर 12 आवर्स 14 आवर्स में रिविजन ही शेड्यूल नहीं किया, तो क्या होता है कि दिन भर में पढ़ाई तो कर ली, 5 दिन बाद जो आज किया है वो याद ही नहीं रहता। सेकेंडली, कभी भी जो चीज़ें यू नो हर स्टूडेंट को कुछ ना कुछ चीज़ डिफिकल्ट लगती रहती है, कुछ ना कुछ चीज़ लगता रहता है कि अभी तक इस पर कॉन्फिडेंस नहीं है, जैसे कि पार्टनरशिप है, एनपीओ है, या फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कुछ ना कुछ एक चीज़ ऐसी होती है जो अपने को प्रॉपरली नहीं आती है। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू शेड्यूल द टाइम फॉर दीज थिंग्स ऑल्सो इन दोज पर्टिकुलर टाइम लाइन्स ऑफ दोज 12-14 आवर्स। सो इसीलिए हर चीज़ को प्रॉपरली शेड्यूल करना जरूरी है। उसके साथ साथ ब्रेक में जो करते हैं ना वो अपनी इफिशियंसी इन द नेक्स्ट स्लॉट डिटरमाइन करता है। तो यू नो दैट एक्ट्स एज अ क्रॉस फंक्शनल एक्टिविटी फॉर योर स्टडीज। तो ब्रेक्स में भी क्या करना है वो भी जानना जरूरी है। तो ये पूरा शेड्यूल मैंने आप लोग के लिए बनाया है, स्पेशली कस्टमाइज शेड्यूल फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स विद अराउंड 30 डेज लेफ्ट फॉर द एग्जामिनेशन। आपको किस तरीके से आपके दिन को सेग्रीगेट करना चाहिए, रिविजन कब करना चाहिए, सॉल्विंग कब करना चाहिए, ऑल्सो इसमें मैंने मेथड्स एड किए हैं स्टडीज के कि हर स्लॉट में किस तरीके से पढ़ो कि आपको नींद ना आए, ओवर थिंकिंग फील ना हो, डिस्ट्रैक्टेड ना फील हो, एंड इफिशियंटली प्रोडक्टिव आउटपुट आप निकाल पाओ। 12 घंटे बैठ रहे हो तो 12 घंटे का आउटपुट निकाल पाओ। इस तरीके से टाइम टेबल डिजाइन है, आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। सो गाइज, इंस्टीट्यूट बोर्ड ऑफ स्टडीज इज कंडक्टिंग सब्जेक्ट स्पेसिफिक वेबिनार, जैसे कि अकाउंट सब्जेक्ट रिलेटेड वेबिनार लॉ के लिए, मैथ्स के लिए, बीसी के इकोनॉमिक्स के लिए, जहां पे वो लोग क्रूशियल पॉइंटर्स बता रहे हैं जिससे आपके हर सब्जेक्ट में 15-20 मार्क्स बढ़ सकते हैं। क्रूशियल ऐसे एरियाज, एग्जामिनर कॉमेंट्स जिसके वजह से बच्चे अभी तक फेल हुए हैं सीए फाउंडेशन के एग्जामिनेशन में, ऐसी कुछ चीजें हिंट्स दे रहे हैं अबाउट द अपकमिंग एग्जामिनेशन। बट क्या है ना, ये वाले जो वेबिनार्स है वो 2-2 घंटे के हैं, मुझे पता है आप लोग के पास इतना टाइम नहीं है। सो आई एम सिटिंग डाउन एंड एक्चुअली गोइंग थ्रू ऑल दीज वेबिनार्स, कुछ 10-15 घंटे के वेबिनार्स रहेंगे शायद, आई नो आपके पास इतना टाइम नहीं है। आई विल सिट डाउन, समराइज ऑल द क्रूशियल पॉइंट्स फॉर यू, एंड जल्द ही सब्जेक्ट स्पेसिफिक वेबिनार के समरीज इस चैनल पे आने वाले हैं। बहुत क्रूशियल रहता है गाइस, लास्ट टाइम भी मैंने डाला था, हर स्टूडेंट के मिनिमम 15-20 मार्क्स बढ़ सकते हैं हर पेपर में, इतना ही क्रूशियल वेबिनार होता है ये। तो प्लीज ये समरीज देखनी ही है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकॉन हिट करके रखना, बिकॉज जल्द हर सब्जेक्ट का वेबिनार समरीज चैनल पे आने वाला है। सबसे पहली चीज मैं जनरली रेकमेंड करती हूँ सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए कि बी एन अर्ली राइजर, जनरली आई रेकमेंड दिस, रेस्ट इट्स योर चॉइस। सुबह 6 बजे अपन पढ़ाई को बैठेंगे, 6-8 शुड बी योर फर्स्ट लॉट ऑफ स्टडीज। अभी ये स्लॉट में क्या करना है, यू हैव टू पिकअप द एरियाज जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, जैसे मैंने बोला जो भी आपको डिफिकल्ट लगता है ये वाला टाइम है, उसमें उस पर्टिकुलर एरिया के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, ठीक है। फिर 8 बजे ब्रेक लेंगे, 8-9 का ब्रेक, जिसमें नेसेसरी थिंग्स जैसे कि ब्रेकफास्ट कर लिया, नहा लिया, एंड जो भी आपका अर्ली मॉर्निंग कोर्स है वो कर लिया, 8-9 का ब्रेक। 9-11 की पढ़ाई अगेन, ये वाले पढ़ाई के स्लॉट में यू हैव टू मेजरली इन्वॉल्व योरसेल्फ इनटू सम एक्टिविटी, जैसे कि बोल के पढ़ाई करो, स्पीक अलाउड, रीड अलाउड, रिकॉर्ड योर वॉइस नोट्स, मे बी इंटरैक्ट विथ योरसेल्फ। मैं तो मिरर के सामने जाके भी पढ़ाई करती थी, इससे क्या होता है वो स्लीपीनेस, लेजीनेस, लथार्जी नहीं आती है। 11-11:30 का ब्रेक ले लिया, इस वाले ब्रेक में यू हैव टू मे बी 10-15 मिनट्स म्यूजिक सुन लो, 10-15 मिनट्स मेडिटेशन कर लो। ब्रेक्स भी मैंने स्पेसिफिकली प्रॉपरली डिजाइन किया है जिसमें सोशल मीडिया नहीं है, बट ऐसी चीजें जो फ्रूटफुल ब्रेक्स है विच आर गोइंग टू एक्ट एज अ क्रॉस फंक्शनल एक्टिविटी फॉर योर स्टडीज, इट्स गोइंग टू बी ऑफ हेल्प। फिर 11:30-1:30 मैं जनरली बोलती हूँ यहाँ पे रोल प्ले कर लो, 11:30-1:30 के स्लॉट के टाइम पे पढ़ाई में। स्टार्ट बीइंग योर ओन टीचर, मतलब स्टूडेंट बन के मत पढ़ो, स्टार्ट बीइंग योर ओन टीचर, कैमरा ऑन कर लो और खुद को सिखाना शुरू कर दो। यू नो दिस इज हाउ यू विल कीप योरसेल्फ एंटरटेन्ड आल्सो, और पढ़ाई की पढ़ाई भी हो जाएगी और आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं फील करोगे। तो यहाँ पे रोल प्ले मेथड ट्राई करेंगे 11:30-1:30 में। 1:30-2:30 का ब्रेक ले लिया, 15-20 मिनट्स का लंच, 45 मिनट्स का पावर नैप। आई हाईली रिकमेंड पावर नैप्स, बिकॉज उस वजह से ना अपनी और जो सुबह से जो एनर्जी ड्रेन होती है इट सडनली रिस्टोर्स इन योर बॉडी। आई हाईली रिकमेंड पावर नैप्स, इट्स गोइंग टू बी ऑफ हेल्प। फिर 2:30 की पढ़ाई
पढ़ाई को बैठ जाएंगे 2:30 to 4:30 अपन कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठा के बैठेंगे बिकॉज इस टाइम पे नींद आती है. कम ऑन यार, वी ऑल अग्री ऑन दिस फैक्ट, नींद आती है इस टाइम पे. सो जो भी सॉल्विंग वाला पार्ट है वो दोपहर को लेके बैठेंगे. सिंपल करो, यहाँ पे पेपर सॉल्विंग करो रेगुलर बेसिस पे. जो भी आपको लगता है जिस भी सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे पेपर सॉल्विंग कर सकते हो 2:30 to 4:30. फिर 4:30 to 5:30 का ब्रेक, ये वाला जो टाइम है दिस इज फॉर एक्सरसाइज. यू नो यू नीड टू कीप योर बॉडी मूविंग, यू नीड टू रिलीज दोज स्ट्रेस हॉर्मोन्स, यू नीड टू बर्न आउट दैट स्ट्रेस. इसके वजह से ना दैट एनर्जी और जो इंथुजियाज्म क्रिएट होता है बिकॉज शाम आते आते यू नो लेजी फील होता है, लेड बैक फील होता है, दैट एक्सरसाइज सडनली एक्ट्स एज अ बूस्टर फॉर द रेस्ट ऑफ द स्लॉट. So, certainly आपको एक्सरसाइज करना है. इट ऑल्सो इंक्रीजेस योर फोकस लेवल्स. 5:30 वापस पढ़ाई को बैठेंगे. 5:30 to 7:30 की पढ़ाई, ये वाले टाइम पे द मेथोडोलॉजी विच आई वुड से सनसेट देखते देखते पढ़ाई करो. यू नो अगर आपके पास टेरेस है, गार्डन है, जो भी थोड़ा सा आउटडोर जाके यहाँ पे पढ़ाई करो. यू नो जो जो मैं चीजें बोल रही हूँ ना, इट्स गोइंग टू बूस्ट योर फोकस. यहाँ पे क्या होगा, एक ही जगह पे चार दीवारी में बैठे रहते ना तो कहीं ना कहीं वो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है. थोड़ा सा बाहर जाके पढ़ाई करते ना तो इट सर्टनली एंटरटेन्स यू. जैसे जो भी मैं मेथोडोलॉजीज आपको यहाँ पे बता रही हूँ, जैसे कि बोल के पढ़ाई करो या फिर यू नो रिविजन करना है, पेपर सॉल्विंग करना है, रोल प्ले मेथड्स करने हैं, मिरर के सामने जाके पढ़ाई करनी है, टेरेस पे जाके पढ़ाई करना है, इस वजह से डे एंड तक आप 12 घंटे पढ़ भी लोगे और आपको रियलाइज भी नहीं होगा अच्छा मैं 12 घंटे से पढ़ रही थी. इट्स गोइंग टू एक्ट एज अ गेम चेंजर फॉर यू. 5:30 to 7:30 की पढ़ाई की, 7:30 to 8:30 डिनर टाइम ले लिया, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, एंड रात को 8:30 to 10:30 इज द रिविजन टाइम फॉर यू. ये कंपल्सरी रिविजन टाइम है. क्या होता है, अपन आगे बढ़ते जाते हैं एंड देन रिविजन नहीं करते इसलिए पीछे का फ्लैश आउट होते जाता है. तो कंपल्सरी रिविजन के लिए रात का टाइम शेड्यूल्ड है ही है कि आज दिन भर में मैंने क्या किया था, कल मैंने क्या किया था. यू कैन जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग द थिंग्स हियर. तो रिविजन का लास्ट स्लॉट है, डिफिकल्ट एरियाज के लिए सुबह का स्लॉट है, पेपर सॉल्विंग के लिए आफ्टरनून का स्लॉट है. तो ये जो चीजें है ना, ये अगर आप प्रॉपरली करोगे, ब्रेक्स भी प्रॉपरली करोगे ना, इट्स गोइंग टू इंक्रीज योर फोकस लेवल्स फॉर श्योर. ठीक है, तो या जस्ट गाइज कमिट टू मी, कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. आई एम गोइंग टू फॉलो दिस 12-hour शेड्यूल फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स इटसेल्फ. और रेगुलर बेसिस अगर आप एडिट करते हो ये कॉमेंट आके 12 hours done today या फिर यू नो लेट से 16th of May 12 hours done, 17th of May 12 hours done, इट्स गोइंग टू यू नो आप किसी के लिए आंसरेबल भी रहोगे कि आपको मुझे वहां जाके पोस्ट करना है. सो इट्स गोइंग टू एक्ट एज अ गुड एक्टिविटी फॉर यू एज वेल, एंड पीपल अदर पीपल वुड ऑल्सो गेट मोटिवेटेड एंड बेनिफिटेड आउट ऑफ इट. ठीक है गाइज, या ऐसे बहुत सारे वीडियोस चैनल पे मैं डालती रहूंगी टाइम टू टाइम. चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकॉन हिट करके रखो, बिलीव इन योरसेल्फ और पढ़ाई करना नहीं छोड़ना है. 300+ marks इस बार टारगेट करके रहना है अपने को. ठीक है, ऑल्सो क्विक अपडेट फॉर ऑल यू गाइज हु आर गोइंग टू गिव योर एग्जाम्स इन द अपकमिंग जून अटेम्प्ट. एंड इफ यू क्विकली वॉन्ट टू ब्रश अप योर कॉन्सेप्ट, इफ यू क्विकली वॉन्ट टू रिवाइज द थिंग्स, इफ यू वॉन्ट टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ स्टडीज, अन अकेडमी इज गोइंग टू कंडक्ट महाबली मैराथॉन्स फॉर ऑल यू गाइज. दीज मैराथॉन्स आर गोइंग टू बी कंडक्टेड इन द सिटीज ऑफ दिल्ली, इंदौर एंड कोलकाता. आई हैव शेयर्ड विद यू द डिटेल्स ऑन द स्क्रीन ऑन विच डेट्स दीज मैराथॉन्स आर गोइंग टू बी कंडक्टेड. दीज मैराथॉन्स आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. इट्स जस्ट दैट वी हैव लिमिटेड सीट्स फॉर दीज. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूं टू रजिस्टर फॉर दीज मैराथॉन्स फॉर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. फन एक्टिविटीज होगा, एंटरटेनमेंट होगा, पेपर राइटिंग टिप्स, स्ट्रैटेजी, सब कुछ यहां पे बताया जाएगा एंड फास्ट मोड में आपका रिविजन भी हो जाएगा. इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर यू गाइज. ऑल्सो इफ यू गोइंग टू गिव योर एग्जाम्स इन द अपकमिंग डिसंबर सीए फाउंडेशन एग्जाम्स, महाबली बैच आपके लिए बिगिन हो चुकी है फ्रॉम May 15th, जहां पे टॉप एजुकेटर्स ये बैचेस कंडक्ट कर रहे हैं. एंड इफ यू बाय 6 months का आइकॉनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन नाउ, देन यू गेट 1 month एक्सटेंशन ऑफ द सब्सक्रिप्शन फॉर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट यूज दिस कोड RCH10 टू अवेल दिस ऑफर. 6 months का सब्सक्रिप्शन कुछ अराउंड 14,000 rupees में अवेलेबल है. दैट्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली रीजनेबल. ये बैच का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, जस्ट गो एंड चेक इट आउट. ओके गाइज, पढ़ते रहो एंड कीप दैट स्माइल ऑन योर फेस. बिलीव इन yourself. This is me signing out. Tada.